मैं हूँ रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल, जिस पर मैं हर रोज लाती हूँ आपके लिए पूरे भारत में निकलने वाली नई नई सरकारी नौकरियों की जानकारी और अन्य भर्तियों की जानकारी। साथ ही मिलती है आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई नौकरी की जानकारी लेकर जो निकाली गई है 12वीं पास लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये नौकरी निकाली गई है स्टेनोग्राफर की, अपर डिवीज़न क्लर्क की, और बहुत ही कॉमन सी क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए। मैं बताने वाली हूँ आपको इसी वीडियो में कि कैसे मिलेगी आपको ये नौकरी, कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है और क्या है पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन इससे पहले मैं कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मिलती रहे आपको हर एक उस नौकरी की जानकारी जो पूरे भारत में कहीं भी निकलती है किसी भी तरह की। तो बात करते हैं इस नौकरी के बारे में जो निकाली गई है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर्स एंड अपर डिवीज़न क्लर्क महाराष्ट्र रीजन ऑफिस इन ESI कॉरपोरेशन की तरफ से। और बता दें आपको, रीजनल ऑफिस महाराष्ट्र की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पंचदीप भवन, यहाँ से निकाली गई है भर्ती। अब बात करते हैं इस भर्ती के बारे में कि वैकेंसीज जो हैं वो कितनी निकाली गई है। बता दें आपको, स्टेनोग्राफर के लिए भर्ती निकाली गई है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग भर्ती निकाली गई है। देखिए, यूआर मतलब यानी कि जनरल कैटेगरी में, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो यहाँ अलग अलग टाइप की अलग अलग कैटेगरी में भर्तियाँ निकाली गई। टोटल इसमें देखिए भर्ती आपको नज़र आ रही है यहाँ पर कि किसमें कितनी भर्ती है। टोटल मिलाकर स्टेनोग्राफर की 25 भर्तियाँ और अपर डिवीज़न क्लर्क की 325 भर्तियाँ हैं। और PWD में अलग से भर्तियां हैं जो कि 34 हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। कैटेगरी डी एंड ई की 3 भर्तियां, कैटेगरी सी की 3 भर्तियां, कैटेगरी बी की 3 भर्तियां और कैटेगरी ए की भी 3 भर्तियां। अब बात करते हैं इस नौकरी के लिए आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सैलरी कितनी दी जाएगी आपको। इसमें आपको 7वां वेतन के अनुसार सैलरी दी जाएगी। एक सरकारी नौकरी है जिसमें आपको वेतन दिया जाएगा 25,500 रुपये, और इसमें रिप्लेस्ड किया जाएगा अगेंस्ट पे बैंड रुपीज़ 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये महीने तक की आपको सैलरी दी जाएगी। साथ ही ग्रेड पे भी दिया जाएगा 2,400 रुपये का। एंट्री पे आपको 25,500 दिया जाएगा, पे बैंड रुपीज़ मैंने आपको बता दिया है, और 2,400 का इसमें आपको सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग ग्रेड पे भी दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन, अरे ये तो बताओ इसमें कितनी कक्षा तक पढ़े होना चाहिए तभी तो मुझे ये नौकरी मिलेगी। अरे वेट तो कीजिए ज़रा सा, मैं बताने ही वाली हूँ आपको। मैंने अभी बोला ना कि क्वालिफिकेशन बताने वाली हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, सब कुछ बताऊँगी, थोड़ा सा सब्र रखिए। ये देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास होना ज़रूरी है रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और इसमें स्पीड चाहिए 80 शब्द पर मिनट की इन स्टेनोग्राफी, इन इंग्लिश या फिर हिंदी में। इसमें देखिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेसिस की, आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। UDC ए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट होना चाहिए वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेस। तो अब बात करते हैं सिटीजनशिप की, कि भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। अगर आप नेपाल के नागरिक हैं या फिर भूटान के नागरिक हैं, तिब्बत रिफ्यूजी हैं हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर द 1 जनवरी 1962 से पहले जो आए हैं, और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बर्मा श्रीलंका ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की अगर बात करें तो 18 से 27 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, 18 से 27 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी उम्र तो ज़्यादा है, मैं तो 30 साल का हूँ, मैं 28 साल तक की उम्र वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ये नौकरी तो मेरे लिए नहीं है। अरे भाई रुकिए, अगर किसी आप खास कैटेगरी से हैं जैसे कि SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन ESIC एम्प्लॉई या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 साल की आपने रेगुलर सर्विस की है, गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको उम्र की छूट दी जा रही है, सबको अलग अलग छूट दी जा रही है। अरे मैं OBC वाला हूँ, मेरे को बताइए ना। अरे वेट कीजिए, मैं आपको बता रही हूँ सब कुछ। देखिए जल्दबाजी मत मचाइए, अगर मैं जल्दबाजी में वीडियो बनाऊंगी और सब कुछ आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको आराम से बता रही हूँ। देखिए SC ST वालों को ध्यान से सुनिएगा, 5 साल की छूट दी जा रही है,
ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी जा रही है, फिजिकल हैंडीकैप वालों को जनरल कैटेगरी में 10 साल की छूट, ओबीसी में 13 साल की छूट, और एससी एसटी हैं फिजिकल हैंडीकैप के साथ तो 15 साल की छूट दी जा रही है। एक्स सर्विस मैन है और जनरल कैटेगरी है तो 3 साल की छूट, एक्स सर्विस मैन के साथ साथ ओबीसी वाले हैं तो 6 साल की छूट उम्र में, एक्स सर्विस मैन के साथ साथ एससी एसटी वाले हैं तो 8 साल की छूट। ईएसआईसी एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जिन्होंने 3 साल की सर्विस की है तो जनरल कैटेगरी में 40 साल तक की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी में 43 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, एससी एसटी में 45 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। अरे ये तो बताओ कि अप्लाई करना कैसे है, तभी तो मिलेगी ना ये नौकरी। वही बताने जा रही हूँ मैं आपको कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है और इसका कोई और प्रोसेस नहीं है, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ये है अप टू 15 अप्रैल 2019। ये देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ इसके। अप्लाई करने से पहले आपको अपनी फ़ोटोग्राफ को स्कैन करना होगा, फ़ोटोग्राफ को स्कैन करे बिना आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, तो फ़ोटोग्राफ लगाई जाएगी आपकी स्कैन करी हुई। और देखिए ये फ़ोटोग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए ये यहाँ पर बताया गया है, 4.5 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर। सिग्नेचर भी करने हैं ब्लैक पेन से, फिर उसको स्कैन करना है, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करने हैं क्योंकि जैसे आप स्मॉल लेटर में या डिज़ाइनिंग में सिग्नेचर कर देते हैं वो नहीं चलेंगे, कैपिटल लेटर में ही सिग्नेचर करने होंगे, लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आपका लगेगा। तो देखिए अप्लाई करने से पहले ये डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन पेमेंट भी करनी है। अरे बाप रे पेमेंट भी करनी है, कितनी पेमेंट करनी है? हाँ बताने वाली हूँ। देखिए पेमेंट जो होती है वो अलग अलग होती है, सबके लिए अलग अलग होती है, इसलिए पेमेंट मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। ये देखिए बता दूँ पहले आपको कि अप्लाई करने से पहले डिटेल पढ़ना ज़रूरी है, वैलिड पर्सनल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपको ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करें। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट ऑफ स्कैनिंग एंड अपलोडिंग, ये सब कुछ आपको, ये वेबसाइट लिंक है देखिए esic.nic.in, ये वेबसाइट लिंक है, इस पर आपको पूरी डिटेल देखनी है। इस वेबसाइट के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वेबसाइट पर मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ ये वेबसाइट। आपको इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट टू दी पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर या फिर अपर डिवीज़न क्लर्क, जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है, आगे आना है, आगे बढ़ना है। इसके बाद नेम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन चूज टैब को क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, अपना नाम एंटर करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड जनरेट करना है, और इसके बाद आपको जो जो डिटेल वो मांगते हैं वो देनी है। सब कुछ इसमें बताया गया है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ईमेल आईडी एसएमएस आएगा आपके पास जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करेंगे, अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है, सेव एंड नेक्स्ट पे जाकर आगे की प्रक्रिया को पूरा करना है, सब कुछ इसमें बताया गया है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप किसी ऐसे कैफ़े में चले जाइए जहाँ बहुत कम पैसे लेकर आपके लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि फॉर्म आसान नहीं है, बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, पूरे भारत में आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, महाराष्ट्र में निकाली गई है ये नौकरी और इस तरह की नौकरियाँ बहुत ही कम निकलती है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर कीजिए, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। अरे फीस कितनी देनी है, फ़ीस जो जमा करनी है फ़ीस वो कितनी देनी है? अरे वही बताने जा रही हूँ भाई, फ़ीस कितनी देनी है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विस मैन को देने हैं 250 रुपये, रिटर्न एग्ज़ाम की फ़ीस और बाकी कैटेगरीज को देने हैं 500 रुपये। तो ये है फ़ीस। फ़ीस भरनी कैसे है, जब मैं फॉर्म भर लूँगी तो फ़ीस कैसे भरूँगी? अरे फ़ीस भरने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन मोड में ही आपको फ़ीस भरनी है और डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग और अपलोडिंग भी होगी। और मैंने आपको जैसे एडवाइस किया है कि आप किसी कैफ़े में चले जाइए जहाँ बहुत कम पैसे लेकर आपके लिए फॉर्म भर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अप्लाई करते वक्त डिटेल में देनी है। एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स, टाइपिंग मैटर ऑन एमएस वर्ड विद फॉर्मेटिंग, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने इसमें टाइम का पेपर होगा, ये सब इसमें लिखा हुआ है, किस तरह का एग्ज़ाम होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने चाहिए, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, टोटल मिलाकर कितने मार्क्स का पेपर होगा, मेन एग्ज़ाम कैसा होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट में क्या क्या होगा, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। तो वेबसाइट लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ पर जाकर ये पूरा नोटिफिकेशन आप आराम से
पढ़ सकते हैं घर बैठे। देखिए फिर से आपको बोल रही हूँ, मैं आपको सचेत कर रही हूँ कि अप्लाई करने से पहले डिटेल ज़रूर पढ़ें, हड़बड़ाहट में जल्दी में ना भरें और इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। बहुत बेहतरीन नौकरी है, ESI में एनेक्चर भी दिए गए हैं, इसमें ESI में निकली हुई ये नौकरी है। पूरी डिटेल देख लें, फॉर्म्स भी इसमें दिए गए हैं जो आपको अपनी योग्यता के और कैटेगरी के अनुसार ही भरने हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा किसी कैफ़े में चले जाइए, इस फॉर्म को भरने की खुद कोशिश ना करें जब तक आपको ये ना लगे कि आप पूरी बेहतरीन तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह की नौकरियां बहुत ही कम निकलती हैं और इस नौकरी के लिए महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए तो अच्छी नौकरी है, फ़ोन नंबर इसमें दिया गया है 0221209700760 है। अगर 700 ना लगे तो लास्ट में 760 भी लगा सकते हैं। और वेबसाइट भी दी हुई है, वेबसाइट लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में ये ईमेल आईडी है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं और मुझसे भी कुछ पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस भर्ती के बारे में या अन्य किसी और भर्ती के बारे में, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। कोई भी हेल्प आपको चाहिए वो मैं हेल्प करूंगी, आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी रिंग्स चॉइस चैनल पर। मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए हैं जिस पर क्लिक करते ही अभी इसी वक्त आपके सामने फ़ोन या लैपटॉप पर पूरी डिटेल आ जाएगी, जिस पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, वेबसाइट लिंक्स आपको मिल गए हैं। तो सारा कुछ पता चल गया है आपको इस भर्ती के बारे में। अब देखिए आप, अगर आपको लगता है ये भर्ती आपके काम की नहीं है तो एक मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो को शेयर करने से ये होगा कि जितने भी लोग हैं आपके ग्रुप में, जितने भी लोग हैं, कोई भी कोई एक व्यक्ति भी तो होगा ना जो इसके लिए एलिजिबल होगा, जो इस तरह की नौकरी करना चाहता होगा, जो इस तरह की, देखिए कई बार ऐसा होता है नौकरी की तलाश में तो बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ हाँ, जैसे मैं नौकरी की तलाश में हूँ। हाँ तो बहुत सारे लोग नौकरी की तलाश में होते हैं लेकिन उनको नौकरी की जो होती है इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इन्फॉर्मेशन हम जैसे आप तक पहुँचाते हैं तो आप भी हेल्प कर सकते हैं। देखिए आज आप किसी की हेल्प करते हैं तो कल कोई आपकी भी हेल्प करेगा। आज हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, आप किसी और तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए। ज़रूर तो नहीं है कि उन्होंने भी हमारे चैनल से कॉन्टैक्ट है उनका भी, और वो भी फ्री में तो पहुँचाना है, फ्री में इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो आप ये थोड़ा सा भला कर सकते हैं। आज आप किसी का भला कीजिए, कल आपकी भी भलाई ज़रूर होगी, तो ये तो है ही, भला करने से कभी बुरा नहीं होता है। तो हेल्प ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ही तो करना है तो शेयर कर दीजिए, अच्छी लगी ये जानकारी तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि है ये आपके फ़ायदे का चैनल जिस पर आपको मुफ्त में मिलती है हर रोज़ ऐसी जानकारी, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, ऐसी नौकरियों की जानकारी जो आप जिनकी तलाश में हैं, बेहतर नौकरी की तलाश में है, नई नौकरी की तलाश में है, तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको हर रोज़ पहुँचाती हूँ। कुछ भी पूछिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको कहूँगी कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो देर मत कीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो इंतज़ार किस बात का करना, तो अप्लाई कीजिए इस नौकरी के लिए। और देखिए जब आप एलिजिबल होते हैं तो हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, जल्द से जल्द इस नौकरी के लिए अप्लाई कर दीजिए। हाँ जैसे कि मैं जल्द से जल्द अप्लाई करने वाला हूँ, मैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करूँगा। अरे इतनी भी जल्दी नहीं है, इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना, ये नहीं है कि जल्दबाजी में इंस्ट्रक्शन पढ़ना ही भूल गए और जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने हैं वो भूल गए, किस तरह से फॉर्म भरना है ये भूल गए और हड़बड़ाहट में जल्दीबाजी में गड़बड़ी फॉर्म भर दिया तो हो गई ना प्रॉब्लम। जिस नौकरी के लिए आप एलिजिबल हैं पूरी तरह से, उस नौकरी के लिए आप अनएलिजिबल हो जाएंगे, है ना, तो बड़ा ही दुख होगा। तो ऐसा ना करें, कृपया करके गलती ना करें हड़बड़ी में। अच्छा अच्छा ठीक है, तो पहले मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ लूँगा उसके बाद ही फॉर्म भरूँगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो जैसे ये जनाब ने कहा कि मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ लूँगा तो आप भी इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेगी रिंग्स चॉइस चैनल पर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।